हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। एपी कंटिन्यू अपनी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन किए थे, अराउंड 14 क्वेश्चन के करीब हम चले गए थे, है ना। एक्सरसाइज 5.2 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू कर रहे थे। आज अपना लास्ट दिन है एक्सरसाइज 5.2 का, लास्ट दिन है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फोर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 280s (63, 65, 67, so on) and 3, 10, 70 equal. क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एन की किस वैल्यू के लिए इस एपी की nth टर्म और इस वाली एपी की nth टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं इन फर्स्ट गिवन एपी। पहले वाली जो गिवन एपी थी उसमें हम बात करें तो ए कितना है 63, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63 2, ठीक है। nth टर्म क्या होगी उसकी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके, ए की वैल्यू है 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता अभी से, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2n माइनस 2, और उसको मैं लिख सकता हूं 61, क्योंकि बिकॉज 63 माइनस 2 61 प्लस 2 है, ठीक है। इन सेकेंड गिवन एपी, दूसरी वाली जो एपी दे रखी है उसमें हम देखते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 7, ठीक। उसकी अगर मैं nth टर्म निकालूं तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a कितना हुआ 3, n माइनस 1 d कितना हुआ 7 हुआ। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 7n माइनस 7, दैट इज 7n, और 3 में से 7 गया माइनस का 4 बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्वेश्चन चाहता है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n, फर्स्ट वाली की nth टर्म कौन थी ये, सेकेंड वाली की nth टर्म कौन सी है ये, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहां से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो माइनस फोर को इधर लेके आऊंगा प्लस फोर, टू एन को उधर लेके जाऊंगा माइनस टू एन, ये हुआ 65 इज इक्वल टू 5n। एन की वैल्यू कितनी हो गई, डिवाइड में जाएगा 5, एन की वैल्यू हो गई 30। मीन्स 30th टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी इज इक्वल, तो इन लास्ट क्या जाएगा 13 टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज सिक्सटीन एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय ट्वेल्व। एपी बताओ क्या होगा? कहता है कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और उसकी सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो वो एपी क्या होगी? तो एपी के लिए तो क्या चाहिए मुझे? कोई भी एपी बनानी है तो ए पता लग जाए और डी पता लग जाए। अगर फर्स्ट टर्म पता लग गए तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, नेक्स्ट आ जाएगी तो फिर आगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ए और डी निकालना हमारा मेन काम है। सबसे पहली चीज गिवन क्या है? गिवन दैट थर्ड टर्म 16 दे रखी है, ठीक है। दैट इज थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। ऑल्सो इक्वेशन फर्स्ट नाम ऑल्सो की एक चीज और दे रखी है, कहता है कि सेवंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म 12 ज्यादा है किससे? फिफ्थ टर्म से। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कर दूं? फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दूं, दोनों इक्वल हो गए। ए सेवन को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 60। ए फाइव को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 40 प्लस 12। दोनों चीज को इधर उठा के लेके आऊंगा तो ए प्लस 60 ए जब इधर आएगा माइनस का ए होगा, 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 होगा। उधर कौन बच गया? बस केवल अकेला 12 बच गया। ए से ए कैंसिल, 60 में से 40 गया, 2d इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 6 कॉमन डिफरेंस आ गया 6। पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू 6 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। a प्लस 2d, 2d का मतलब है 2 मल्टीप्लाई d और d की वैल्यू कितनी निकली? 6 इज इक्वल टू 16। 6 × 2 = 12 इज इक्वल टू 16। 12 को उधर लेके जाऊंगा तो 16 − 12 इज इक्वल टू 4। a आ गया, d आ गया, ap फाइंड आउट कर ली। ap इज फर्स्ट टर्म कितनी है? 4। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 4 + 6 = 10। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? इसमें फिर से डी ऐड कर दो, 16। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? इसमें फिर से डी को ऐड कर दो, 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालो एंड से, लास्ट से। अब तक जो भी टर्म निकाल रहे थे, 20th निकाल रहे थे, 5th निकाल रहे थे, 7th निकाल रहे थे, 13th निकाल रहे थे, जो भी टर्म हम निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हम स्टार्टिंग से निकाल रहे थे। और ये जो फॉर्मूला था an = a + n - 1t,
ये आगे से नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला था, जैसे A3 का मतलब क्या हुआ स्टार्टिंग से थर्ड टर्म। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन कहता है कि पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करो इसकी क्या होगी। ओके, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के, मैं सिर्फ एक ही तरीके पर डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने भी वही करना है बस, ठीक है। सेकेंड वाला है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो वो तरीका भी बहुत अच्छा है। इस एपी को मैं दोबारा से लिखता हूं, गिवन एपी इज 3, 8, 13, 253। तो 253 से पहले कौन आया होगा, कितने गैप पर चल रहा है, 5-5 के गैप पर, 3 में 5 ऐड किया है ना, 8 आया, 8 में 5 ऐड किया 13 आया, तो 253 भी क्या हुआ होगा, किसी में 5 ऐड करने पर आया होगा। तो कौन सा नंबर है जिसमें 5 ऐड करने पर 253 आए, 248, फिर जाकर के क्या आया होगा 253। कहने का मतलब कि जो लास्ट टर्म हमें पता है उससे पहले की एक टर्म और लिख होगा। कैसे पता चलेगा, वो इसके हिसाब से पता लग जाएगा कितने का गैप चलता आ रहा था, ठीक है। और अब इस एपी को रीराइट द एपी, या फिर हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, देन वी राइट, हम लिखेंगे रिवर्स करके 253 और अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल करके इस एपी पर काम करेंगे, इस पर अब यहां से 20th टर्म निकाल देंगे, इसके लिए वो क्या होगी, पीछे से 20th टर्म होगी, क्लियर है। तो अब इसमें 20th टर्म निकाल देते हैं, A कितना है 253, B कितना हुआ A2-A1 248-253 कितना -5, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर 5 था लेकिन यहां पर D -5 आएगा, क्योंकि आप इस एपी पर काम कर रहे हैं, यहां से 20th टर्म निकलेगी वो उसी के लिए पीछे से 20th होगी, ठीक है। तो रिवर्स हो गई, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी, सिंपली 20th टर्म को a प्लस 19 ली हूं, a की वैल्यू रखूं 253 प्लस 19 इनटू d की वैल्यू रखूं -5, सॉल्व करके कितना आया 253 माइनस, ये प्लस का 19 है ये माइनस का 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, 253 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 95 को, तो 8 5 158, कितना आया 158, ठीक है 158 आया। तो ये 20th टर्म हुई, इसके लिए तो हुई आगे से, लेकिन हमें तो गिवन एपी क्या थी ये वाली, इसके लिए कहां से होगी, पीछे से जिस नंबर पे मिली ना, ठीक है। तो 158 यहां पे लिख देंगे लास्ट, 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट फॉर द गिवन, ठीक है भाई। क्या करना है, जब भी लास्ट से कोई टर्म पूछी है उसने, तो एपी को क्या कर दो रिवर्स कर दो, एपी को क्या कर दिया रिवर्स, और अब सिंपली अपना जो आगे से नंबर ऑफ एपी निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई किया, जो भी वैल्यू आई वो जो पहले स्टार्टिंग में जो गिवन एपी थी उसके लिए पीछे से वो टर्म होगी, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44 फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स क्वेश्चन कहता है कि द फोर्थ और एट टर्म का सम एक एपी में 24 है, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम कितना है 44 है, तो एपी की फर्स्ट थ्री टर्म बताओ। तो एपी की फर्स्ट थ्री टर्म या एक तरीके से बोल सकता है कि एपी बनाओ, तो उसके लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। अगर ए और डी आ गया, हेलो इधर ए और डी आ गया तो एपी बन जाएगी हमारे पास। अब देखो हमें गिवन क्या है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24। इस चीज को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d, a 8 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a जोड़ करके कितना हो गया 2a, 3d और 7d जोड़ करके कितना हो गया फर्स्ट। उसके बाद सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 44। सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का सम कितना दिया हुआ है 44। ए सिक्स को क्या लिखूं हमें ए प्लस 5d, ए टेन को क्या लिख सकता हूं ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, ए और ए ऐड होकर के 2a हो गया, ये ऐड होकर के 14d हो गया इज इक्वल टू 44। इक्वेशन टू, On solving equation 1 and 2, 1 और 2 को solve कर रहे हैं, 2a plus 10d is equal to कितना था 24 था, equation second थी 2a plus 14d is equal to 44 था, same है, केवल क्या change करने की जरूरत है, sign change करने की जरूरत है, इसका sign change हुआ तो इसका भी change होगा और इसका भी change होगा, ये तो cancel out हो गया, 10d में से 14d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा, 10 में से 14 गया माइनस 4d, 24 में से 44 को सबट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 20 आएगा। यहां से एक बात समझ लो कि छोटे में से मैं बड़ा सबट्रैक्ट कर रहा हूं, छोटे नंबर में से बड़ा सबट्रैक्ट मतलब नेगेटिव काम कर रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं, तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, हो गया, कैंसिल आउट हुआ, यहां से सॉल्व किया तो d की वैल्यू कितनी आई 5, 4 उधर डिवाइड में जाएगा, 20 अपॉन 4 कितना होगा 5, डी की वैल्यू 5 आई। इस डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे वो सेकंड में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया डी की वैल्यू 5, फर्स्ट क्या थी 2a प्लस 10d, 10d मतलब 10 मल्टीप्लाई भी हो, d की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 50 हो गया इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 माइनस 26, 24 में से 50 क्योंकि 50 उधर जाएगा माइनस का होगा माइनस 26, तो a की वैल्यू कितनी होगी माइनस 26 अपॉन 2 माइनस 13, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, पूछा क्या था फर्स्ट थ्री टर्म
ऑफ द एपी इज, पहले टर्म में कितनी आई, ए की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी आई, माइनस 13। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें डी जोड़ दो, डी ऐड कर दो, तो माइनस 13 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो माइनस का 8 आएगा, क्यों, अरे भाई माइनस 13 में ऐड करना है 5, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन जब होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन होकर क्या आया 8, साइन किसका आएगा जो दोनों में बड़ी टर्म है, बड़ी कौन है 13, 13 का साइन कौन सा है, माइनस, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी थी तो इसमें फिर से डी को ऐड कर दो, माइनस 8 में फिर से 5 ऐड करूंगा, कितना आएगा माइनस, ये फर्स्ट थ्री टर्म आ गई ए पी, ठीक है भाई। हो गया, चले आगे, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000 and received an increment of 200 rupees each. In which year did his income reach ₹700? कहता है क्वेश्चन कि सुबह राव उसने 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट की, किस सैलरी के साथ, 5,000 रुपए के साथ, ठीक है, उसको ₹200 पर ईयर क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो किस ईयर में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता था आफ्टर हाउ मेनी ईयर हिज इनकम रीच एट 7,000, ठीक है। तो देखते हैं जब उसने स्टार्ट किया कब, 1995 में, उसकी सैलरी कितनी थी 5,000, 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई 5,200, नेक्स्ट उसकी सैलरी कितनी हो गई कितना पता नहीं हमें, लेकिन हमें कहां तक जाना, उसकी सैलरी कितनी हो 7,000 तक। तो देखा हमने कि एक एपी ट्रांसफॉर्म हुई हमारे पास, ठीक है, ओके। इस एपी में ए कितना था, मतलब फर्स्ट टर्म 5,000 थी, कॉमन डिफरेंस कितना था 200 rupees का था, ठीक है। कहां तक जाना है हमें, जहां तक जाना होता है उसको क्या बनाते हैं, ए है। क्या नहीं पता हमें कितने साल में गए वहां तक, है ना, मतलब ऐसी कितनी टर्न्स आएगी 7,000 पहुंचने तक, मतलब एन फाइंड आउट करना, फॉर्मूला क्या मेरे पास, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन बी, ए एन कितना था 7,000, ए कितना है 5,000,
एन फाइंड आउट करना था, डी कितना है 200, 5000 जब इधर आएगा माइनस का होगा एन माइनस वन इंटू 200, 2000 वाज डिफरेंस इनका एन माइनस वन इंटू 200, 200 जब इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई 10, ये माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का वन 11, n की वैल्यू कितनी आई 11। अगर क्वेश्चन आता कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हिज इनकम रीच 7000, आंसर यही आ जाता आफ्टर 11 इयर्स हिज सैलरी रीच एट 7000, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में, कौन से साल में उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी, तो 1995 था उसमें आप 11 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2006, his income reached rupees 7000, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ उसी वे में आंसर देना होता है। आफ्टर हाउ मेनी पूछता तो ये भाई 11 साल बाद उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाती है। अब उसने पूछा कि किस साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी, तो 11 साल बाद 7000 पहुंच रही थी, स्टार्टिंग कब से कि उसने 1995 से स्टार्ट किया, उसमें 11 ऐड कर दो 2006 में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी 7000 पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। तो ये अपना एपी की 5.2 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। कल हम 5.3 एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, अदर रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो वहाँ से कोई क्वेश्चन अटक गया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, पर्सनली भेजें, पूछे जरूर, ठीक है, पूछे जरूर। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको क्लियर करके चलो, ओके। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।